नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्होत्रा जी में। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो आज हम जो लेके आए हैं, जो आज का कंटेंट होने वाला है, आज का जो कंटेंट है वो है सेल्फी स्टिक, जिसको कहा जाता है, ये देखिए, सेल्फ पिक्चर मोनोपोर्ड, जो कि हिंदी में यार सेल्फी स्टिक ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है YT1288 सेल्फ पिक्चर मोनोपोर्ड, और आप जानते ही हैं कि सेल्फी स्टिक का काम क्या होता है। सेल्फी स्टिक का काम है कि आप दूसरे लोगों को अपना कैमरा ना देते हुए या मोबाइल ना देते हुए आप एक इस सेल्फी स्टिक का यूज कर सकते हैं। और जो मेरे पास यार पहले मैंने अपने प्रोडक्ट्स में मंगवाई थी एक सेल्फी स्टिक, तो बहुत ही हल्की थी एक्शन कैमरे के लिए भी। उसमें क्या था कि उसका हिलने लग गए थे, ऊपर से पेज छिल रहे थे, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो ये मैं लेके आया था लाजपत राय मार्केट, जो कि है चांदनी चौक के पास, चांदनी चौक में ही बेसिकली। तो ये लाजपत राय मार्केट से मैं ये लेके आया था 450 रुपीज़ की जो ये है सेल्फी स्टिक, जिसका नंबर मैंने आपको बताया YT1288 है ना, सेल्फ पिक्चर मोनोपोर्ड। बट मोनोपोर्ड इस पर लिखा हुआ है, बट उन्होंने मोनोपोर्ड में मुझे नीचे का जो था मोनोपोर्ड स्टैंड, वो स्टैंड नहीं है इसके अंदर। और बट ये जो है एक पूरी ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक है, इसका ब्लूटूथ रिमोट है। आप अगर जैसे कि इसको मोनोपोर्ड बना भी देते हैं तो उसके लिए आपके पास रिमोट है, आप दूर से भी अपना रिमोट से पिक्चर खींच सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं, राइट। पर ये मैंने इसलिए पहले चेक करने के लिए इसको खोला भी था, पर अभी मैं हम इसका आज रिव्यू, बट आज ही होगा क्योंकि वहीं खोला था, उसके बाद अब हम रिव्यू करने वाले हैं। और इसके साथ कुछ हम यूज़ करेंगे एक्सटेंशन जो मैंने पहले ही खरीद रखे हैं, तो वो भी मैं एक्सटेंशन आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये एक देखिए छोटा सा स्टैंड है जो हम अभी आपको मोनोपोर्ट पे भी लगा के दिखाएंगे। ये मैंने बहुत पहले ही मंगाया हुआ था, ये एक्सटेंशन यूज होगा, ठीक है। ये इसको लगाने के बाद ये हमारा सेल्फी स्टिक बन जाएगी मोनोपोर्ट। और उसके बाद एक ये छोटा सा एक्सटेंशन है जो कि मैंने अपने एक्शन कैमरे के एक्सेसरीज के साथ मंगाया था, और इसको अगर हम लगा देते हैं तो एक्शन कैमरा हमारा, हम मोबाइल हटा के एक्शन कैमरा भी इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे आज 3 एक्सेसरीज होने वाली हैं, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये 3 एक्सेसरीज होने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं, फर्स्ट हम रिव्यू अपनी सेल्फी स्टिक का, उसके बाद आपको सब एक एक चीज हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और देखिएगा ये। और जो मैं, अच्छा इसकी मैं हाइट बता दूं, इसकी जो हाइट है 3 से 4 फीट है, नॉट एग्जैक्ट मुझे यार एमएम में नहीं मालूम होता कि एमएम में कितना होता है, बट इसका जो एमएम है इन्होंने जो दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि एमएम में इन्होंने दिया हुआ है 425 एंड 1250 एमएम, यानी 1250 एमएम, 1250 एमएम इसकी ये हाइट है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को जो लगता है कि 3 से 4 फीट होगी और 450 एमएम जो है ये बंद करने के बाद है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं यार, बंद करने के बाद भी आप देखिए इसको, कम से कम ये 1.5 फीट की तो होगी या 1 फीट तो है, और ये खुलने के बाद 3 से 4 फीट की होने वाली है। तो आई थिंक कि सेल्फी फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए 3 से 4 फीट एक बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मोनोपोर्ट में भी लगा देते हैं तो 4 फीट एक अच्छी हाइट आपको मिल जाती है। तो चलिए फटाफट से इसको हम ओपन करते हैं और रिव्यू करते हैं। चलिए अब हम इस बॉक्स को यहाँ से खोल लेते हैं, देखिए ये ओपन हो गया, तो फटाफट से खोलते हैं और ये क्या मिलने वाला है ये देखिए। ये है हमारी एक सेल्फी स्टिक, इसकी ये थैली में आपको ऐसे मिल जाती है, और मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो यार फटाफट से हम ये खोल लेते हैं, ये देखिए ये है आपकी एक ये जो सेल्फी स्टिक, इसके ऊपर ऑलरेडी ये मोबाइल होल्डर लगा हुआ आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मोबाइल होल्डर हम इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं, ये हमारा आपका वो दिया हुआ है, ये आपका ये देखिए ये रिंग को हम खोल लेते हैं तो ये मोबाइल होल्डर आपका अलग हो गया, मोबाइल होल्डर अलग हो जाता है। तो ये इस टाइप का आपको एक पेज मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पर डायरेक्ट DSLR कैमरा भी लगा सकता हूँ, ठीक है, DSLR कैमरा, क्योंकि इसकी अच्छा मुझे स्टैंड ग्रिप मिल गई है, बहुत हैवी स्टैंड है जो ये सेल्फी स्टिक है, हैवी सेल्फी स्टिक है, तो मैं इसके ऊपर अपना DSLR भी लगा सकता हूँ। इसके अलावा इसके साथ मैंने आपको एक एक्सटेंशन दिखाया था,
ये एक्सटेंशन है मेरे पास, इस एक्सटेंशन को मैं ऐसे लगा दूंगा तो मैं अपना एक्शन कैमरा यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये आपको एक दिखाया था, तो मैं इसको अगर यहाँ पे ये यूज कर लगा देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा एक मोनोपोड। मैं देखिए इसको ये खोल के ऐसे इस टाइप से अभी बन जाएगा मोनोपोड, राइट। चलिए अब आप समझ ही गए होंगे इसके बेनिफिट। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट थे और मैं एक आपको दिखा दूँ इसके अंदर जो हमें मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैं निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइट है रिमोट, इसके अंदर मैंने बहुत दबा दिया था जब लिया था। ये रिमोट देखिए ये अलग हो जाता है, ये जो है अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ था, ये शायद ये अभी निकालते समय ऑन हो गया, ये आप इसको ऑफ कर दीजिए। और चलिए और देख लेते हैं, ये रिमोट और सेल्फी स्टिक तो हमने देख ही ली है। इसके अलावा ये मिल जाती है छोटी सी बेल्ट, जो यहाँ पे आपकी ये बेल्ट अटैच हो जाएगी, और ये एक आपको ग्रिप मिल जाएगी कि कल को अगर आपके हाथ से एक सेल्फी स्टिक छूट जाए तो ये ग्रिप के हिसाब से आपको सेफ्टी रहे, बचा रहे। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो फटाफट से एक और आइटम देखते हैं नीचे रखने में। तो ये हम थैली को रख देते हैं साइड। तो ये देखिए एक हमें छोटी सी एक केबल मिल गई है, ये मेरे ख्याल से जो है ये नॉर्मल कैमरे का ही इजेक्टर है। ये देखिए जो पिन है, तो ये जो भी है तो वैसे तो इसके साथ ये वायर मिलती है, और ये साइड दूसरा साइड से USB है। तो ये आपको जो आता है ये आपके लिए इस रिमोट को चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसमें सेल कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा, यार पूरा खोलना पड़ेगा, बट आप इसको रिमोट का यहाँ से चार्ज कर लीजिएगा और डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से भी कर सकते हैं, और प्लस आप अपने किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू भी इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये अब वैसे तो मेरा चार्ज है रिमोट, तो मुझे ऐसी कोई इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी अभी हम साइड रख देते हैं। और मैं फटाफट से एक बार पूरा सेटअप होने के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ और दिखाता हूँ मैं अपने सेल्फी स्टिक का बेनिफिट्स। DSLR भी दिखाऊंगा जो कि मेरी मोबाइल से शूट होगा, तो मैं आपको इस पर DSLR का भी वेट दिखाऊंगा। तो एक बार यहाँ पे हम इसको खोल कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लॉक दिए हुए हैं, मैं ये तीनों लॉक खोल लेता हूँ। ये देखिए पहले ये लॉक खुल गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया, फिर ये दूसरा लॉक खुल गया। आई थिंक ये जो भी मेरे हाथ में दिख रहा है ये तकरीबन वैसे ही 3 फीट का हो गया होगा, तो ये लास्ट। तो आई थिंक मेरे कैमरे में ये पूरा आ रहा है या नहीं, मैं एक बार कैमरे पर्सन को कहूँगा कि ये है ऊपर से एक बार डाउन करके लिया। ये है मेरा लास्ट, ठीक है। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए एक बार मैं और दिखा रहा हूँ। तो आई थिंक ये पूरा 4 फीट का है, और यहाँ पे हम लोग इसकी एक वेट की भी बात करें हैं, तो आई थिंक जो है इसके अंदर जो लास्ट वाला पार्ट है, ये देखिए मैं एक बार आपको इसको डाउन कर देता हूँ। बट ये जो देखिए ये वाला जो स्टिक है, ये वाली है ना, ये जो स्टिक है, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि DSLR लगाने के बाद मुझे ये वाली स्टिक नहीं खोलनी चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। बट वो मैं जब लगा के देखूंगा एक बार, रिस्क लेना पड़ेगा। बट मैं उसके अलावा इसको खोल सकता हूँ, ये हैवी थोड़ी सी दिख रही है मुझे, तो ये मेरा थोड़ा सा इसके थ्रू भी, ये देखिए यहाँ खुलने के बाद ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, बट ये मुझे एक बैलेंस मिला रहेगा। ये मुझे यहाँ से भी हैवी लग रही है, यहाँ से भी मुझे ये हैवी लग रही है, जब इसको मैं अपने हैंड पे वो करके देख रहा हूँ, टच करके देख रहा हूँ, तो मुझे एक पूरा यानी फील आ रहा है कि हाँ ये शायद ये वेट झेल सकती है, और लॉक तो इसके अच्छे ही हैं। तो अभी आपने सेल्फी स्टिक देख ली है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्टैंड बना के, प्लस इसके ऊपर आपको मैं अपना मोबाइल चला के दिखाऊंगा। हाइट आपको मैंने दिखाई दी है, तो बस इतनी हाइट के ऊपर ही मैं आपको रिमोट अपना ऑन करके दिखाऊंगा अलग से, प्लस अपना मैं ये तो देखिए वैसे ड्यूरेबल है, चलेगा भी काफ़ी अगर इसको आप अच्छे से यूज़ करते हैं। बट मेरे पास हैवी वाला है मोबाइल का, मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूँगा। बट आज मैं आपको फिलहाल इस वीडियो को इसी के ऊपर दिखाऊंगा और अपने इंस्टेंट को यूज़ करूंगा, प्लस अपने इस कनेक्टर पे एक्शन कैमरा भी लगा के दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, शायद 2-4 मिनट की लंबी हो जाएगी, बट मज़ा आने वाला है, इस अच्छे से आप इस स्टैंड को समझने वाले हैं। तो चलिए ये अपना एक्सटर्नल एक्सटेंशन था, पहले हम इसको लगा के दिखा देते हैं। ये देखिए ये होल बना हुआ है ऑलरेडी इसके अंदर, तो हम इसके अंदर ये लगा देते हैं। ये क्या है कि हमें एक स्टैंड का काम करेगा, तो ये देखिए फटाफट से मैंने इसको कस दिया है, इसके अंदर कस दिया है,
और अभी ये हम इस हाइट तो आपने देख ली, इसलिए मैं हाइट नहीं दिखा रहा। ये देखिए ये हो गया ओपन, ठीक है दोस्तों। अब जैसे भी अपना ये हम ऊपर स्टैंड अपना आप मोबाइल लगा सकते हैं। अभी मैं मोबाइल कनेक्टर भी आपको करके दिखाता हूँ, मोबाइल का होल्डर लगाता हूँ, फिर मोबाइल भी लगा के और रिमोट से चला के भी दिखाएंगे। पर फिलहाल ये अपना एक्सटेंशन के थ्रू ये देखें कि हमारा जो ये है स्टैंड रेडी हो गया। देखें तो अभी आपने देखा कि नीचे हमने ट्राइपॉड तो बना ही दिया, स्टैंड लगा दिया। अब हम इस पर लगाने वाले हैं वापस से दोबारा, जो कि लगा लगाया मिलता है मोबाइल होल्डर। और ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया था जो ये पेच है इसके ऊपर हम अपना मोबाइल होल्डर लगा देंगे। ये देखिए इसमें वो बना हुआ है, तो ये हम यहाँ पे ये देखिए इसको रखेंगे, प्लस ये जो है इस चूड़ी के थ्रू हम इसको लॉक कर देंगे। फटाफट से हमने इसको घुमाया और ये अभी हो जाएगा हमारा लॉक। तो इसको हम अपना कर लेते हैं यहाँ पे इसको वैसे। ये देखिए ये इसके साथ हो गया अटैच, ठीक है ये हम लॉक कर चुके हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं मोबाइल लगाए। दोस्तों जो मैंने आपको अभी दिखाया था ये रिमोट दिखाया था मैंने सेल्फी स्टिक का आपको, तो ये देखिए ये जो है यहाँ पे स्विच है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। अभी मैंने इसको ऑफ कर रखा है और मैंने आपको ये दिखाई दिया था यहाँ से ये रिचार्ज हो जा चार्ज हो जाता है, ठीक है अंदर ये रिमोट चार्ज करने के लिए था। प्लस ये जो है यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ है, और ये मैंने वहाँ पे टेलीवाइड के लिए चेक नहीं किया था, बट मेरे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे कि इसका टेलीवाइड नहीं हो रहा है या मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने जब डिफ़ॉल्ट किया था इसको कैमरे को तो उसके बाद ही ये मेरी रिकॉर्डिंग या फ़ोटो क्लिक होनी शुरू हुई थी, उससे पहले ये नहीं हो रही थी। बट कैमरे को जब मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग मारी तो ये उसके बाद मेरी रिमोट वर्क करना शुरू कर दिया था। तो चलिए अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ से हम रिमोट को ऑन करेंगे तो ये हमें एक लाइट यहाँ पे चमकती दिखेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिमोट ऑन हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख गया, ये तो हमने कर दिया रिमोट ऑन, बट यार कैमरे में चलेगा कैसे। तो फिलहाल हम फटाफट से इसको कर देते हैं, ये हमने डाउन किया, इसको कर देते हैं ब्लूटूथ ऑन। तो यहाँ से हमने कर दिया अपना ब्लूटूथ ऑन, और ब्लूटूथ ऑन होने के बाद जो इसका है नाम वाईटी है, वाईटी आप यहाँ पे आपको दिख गया होगा वाईटी। मैं वाईटी देखिए अब मैंने क्लिक भी नहीं किया ऑटोमेटिक, क्योंकि फ़ोन ज़्यादातर ले लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद मैं अपना खोल लेता हूँ फ़ोन, तो ये मैंने अपना कैमरा खोल लिया है। ये देखिए ये मेरा कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ से, अभी मैं करने वाला हूँ रिकॉर्डिंग। तो ये देखिए अभी यहाँ से मैंने इसको कर दिया था ऑन, और ये देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, नंबर लिखने आने शुरू। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है मेरा कैमरा पर्सन दिख रहा है इसके अंदर, और जो कि हमारे बहुत बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, मेरे वीडियोस में मैक्सिमम आते रहते हैं, सोनालिका मल्होत्रा एंड अंजलि मल्होत्रा, ठीक है। बट आज ही मेरी कैमरा पर्सन बनी हुई है, ठीक है। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ ऑफ, और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपना सीधा कहते हैं कि कैमरा मोड पे फोटो के लिए। ये देखिए फोटो क्लिक हो गई, दोबारा एक फोटो क्लिक कर लें, ये देखिए फोटो क्लिक, जो आप इसमें देख रहे हैं ब्लिंक हो रहा है वो फोटो को क्लिक हो रहा है। ये फोटो क्लिक होने के बाद यानी कि मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारी आ गई है फोटो, प्लस ये भी थी फोटो, और ये हमारी वीडियो, देखिए वीडियो एक्शन बना हुआ। तो रिमोट एक बहुत बेहतरीन काम करता है। तो चलिए अब मैं फटाफट से दिखा देता हूँ अपना इसको, और शायद मेरा फेस भी थोड़ा सा कटे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। ये आपका ये देखिए ये था जो अपना मोबाइल स्टैंड, इसके ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे अपने स्विच भी देखने होते हैं, बट कोई बात नहीं। ये देखिए ये मैंने अपना मोबाइल लगा दिया है होल्डर के ऊपर, इजीली इस पर सेट हो गया है। अब थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा मेरे यहाँ का थोड़ा सा फालतू का एरिया भी दिखेगा, बट कोई बात नहीं। पर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो आपको पूरा दिखना चाहिए। तो ये देखिए अभी पहले मैं उनको कहूँगा कि नीचे दिखाएं, यहाँ पे फुल वाइड रखिए, टैली मत कीजिए, ठीक है। ये देखिए ये पूरा स्टैंड पे अब हम इसको होल्ड कर दिया है। तो ये देखिए पूरी मैंने सेल्फी स्टिक अपनी होल्ड कर दी है। एक बार हाँ ऐसे व्यू दिखा दीजिए नीचे से ऊपर, नाइस, ठीक है। अभी हम इसको बंद करते हैं, अपने कैमरे को खोल लेते हैं, कैमरे को यस, कैमरा खोल लिया, थोड़ा सा टैली कर लेते हैं, यस, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए वो जो कैमरे से शूट हो रहा है वो है DSLR कैमरा मेरा, जो है ये R6 कैमरा है, ये कैनन R6। आपने मेरी इस वीडियो में भी रिव्यू देखा था, ठीक है। तो
ये R6 कैमरे से अभी फिलहाल शूट हो रहा है और मैंने आपको दिखा दिया। मैं इनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा व्यू अगर आ सकता है तो एक बार जरूर इस पूरे व्यू को दिखा। अब यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है और मैं फटाफट से अब इसको एक बार देखता हूँ फोटो खींच रही है या नहीं। तो आपके सामने देखिए मैं बैठा हूँ और आई थिंक फोटो खींच गई है। तो मैं एक बार दोबारा अब मैं आ रहा हूँ साइड पे और प्लस मेरे हाथ में रिमोट है ना, मैं फोन को टच कर रहा हूँ। 3 मीटर तक का ये वर्क करता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया बट जो मैंने ट्राई किया था 3 मीटर, 10 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, पर 3 मीटर तक ये काम करता है। अब मैं इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी हो गई है हमारी रिकॉर्डिंग ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं वापिस है, जो कि मैंने अभी पहले भी दिखा दिया था, बट ये रिमोट से काम कर रहा है। और ये देखिए यार स्टेबल। अगर आप अपने टिकटॉक वीडियो, टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया बट आप अपना शॉर्ट बना रहे हैं, उसके अलावा शॉर्ट के अलावा आप इसको शॉर्ट के लिए भी मैं दिखा देता हूँ, इसको आप मूवमेंट दे सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ना सेट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने सेट कर देता हूँ, यहाँ से ये मैंने ऐसे किया इसको और ये टाइट कर दिया, राइट। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट और रील के लिए भी ये वीडियोस बना सकते हैं। ऐसे आप अपने इसके स्टैंड पे लगाए, अभी तो मैंने हाइट बढ़ाई नहीं है। ये जो हाइट बढ़ती है 3 से 4 फीट तक की हाइट है, इट्स अ बेटर हाइट एंड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी आई थिंक वीडियो हो गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बाकी तो आप जानते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हर संडे 8 AM 8 बजे सुबह 8 बजे, हर इतवार, हर संडे सुबह 8 बजे मिलते रहेंगे मल्होत्रा जी में। थैंक यू सो मच।